ये बात भी सच है। यदि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। यह सब कुछ जो ताकत हौसला मिला है वो आप सबके कारण है। दुनिया के सारे देश के लोगों के मन में भी आपके प्रति एक सम्मान का भाव पहले से अधिक हुआ है। आज के अवसर पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने का कोई मतलब नहीं, वैसे ही बातचीत करने के लिए आ गया था। तो और सब ठीक ठाक है, अच्छी तरह है। एक कोई जो सबसे अच्छा गाना गाता हो बस उसको मैं सुनना चाहूंगा, विजयादशमी के पर्व में।